हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक साइड बार मेनू बना सकते हैं, बेसिकली जो कि लेफ्ट से स्लाइड होके अंदर आ जाएगा और स्लाइड होके बाहर जाएगा जब भी हम पर्टिकुलर जो मेनू आइकन है उसको क्लिक करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने कि यहाँ पे index.html फाइल बना ली है। आप जो भी उसको नाम रखना है, जो भी आपकी फाइल रहेगी, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। फिर इसमें सबसे पहले हम एक मेनू बना लेते हैं, तो इसको हम देते हैं ड्यू। और यहाँ पे मैं इनलाइन स्टाइल डाल रहा हूँ, तो आप जैसे भी जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे स्टाइल डाल देना इसकी क्लास बना के। तो सबसे शुरुआत करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड कलर देते हैं जिससे पता चलेगा कि कितना है, क्या है, कहाँ कहाँ तक अपना ड्यू है। तो मैंने ऐसे एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। फिर इसमें इसकी जो विड्थ है इसको हम करते हैं 300 पिक्सल कर देता हूँ मैं अभी। और फिर इसकी जो हाइट है, अगर मैं 100 पिक्सल कर दूँगा तो भी वो वैसे तो ऐसे नहीं चलेगी, उसको कुछ पोजीशन फिक्स्ड वगैरह रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको नॉर्मल ड्यू बना ली मैंने, ठीक है। फिर इसमें हम डालेंगे लिंक्स, तो HREF में अभी नॉर्मल हैश लिंक डाल देता हूँ। आपकी जो भी लिंक रहेगी वहाँ पे लिंक डाल देना है, यहाँ पे तो Link 1, फिर इस तरह से Link 2 3 4, जितनी भी आपकी जो भी जैसे भी आपकी लिंक्स रहेगी अबाउट अस सर्विसेज वगैरह, वो वाली लिंक्स यहाँ पे आ जाएगी। अकाउंट वगैरह जो भी लिंक्स है आपकी वो यहाँ पे आ जाएगी बेसिकली ऐसे। तो इसको अभी देख लेते हैं। तो मेरी जो फाइल है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में। तो यहाँ पे देखो Link 1 Link 2 Link 3, अभी इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो हर लिंक के बाद मैं एक लाइन ब्रेक डाल देता हूँ, ठीक है। और जो स्टाइल है सबसे ऊपर, तो जो बॉडी के लिए मार्जिन ऑटो कर देते हैं हम, उससे जो बॉडी वाली मार्जिन है बाय डिफ़ॉल्ट वो हट जाएगी ऐसे। तो अभी देख सकते हैं नॉर्मल Link 1 Link 2 Link 3 करके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी जो पोजीशन है इसको तो सबसे पहले फिक्स्ड करना है। और फिर उसकी जो हाइट है वो 100% इसको मिल जाएगी। तो अभी देखो हाइट इसकी 100% हो गई है। अगर फिर इसमें आपको और भी चीज़ें रखनी है, पैडिंग वगैरह, तो वो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैडिंग देने से अच्छा है यहाँ पे जो लिंक है उसको हम पैडिंग देंगे। तो इसको अब एक आईडी दे देते हैं साइड बार करके, ठीक है। अब ये हमारा एक बेसिक साइड बार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो पोजीशन है, जो मार्जिन इसकी, ठीक है, मार्जिन जो लेफ्ट मार्जिन है इसको हम दे देते हैं -300 px करके। सो उससे क्या होगा, तो वो पूरा लेफ्ट में चला जाएगा। तो अभी वो लेफ्ट में चला गया, वो है लेकिन लेफ्ट में उसकी मार्जिन सेट कर दिए। तो अगर मैं इसको अगर +300 कर देता हूँ तो ये बेसिकली यहाँ पे राइट में है। तो मैं इसको लेफ्ट में कर दूंगा तो ये -300 कर दूंगा, तो अपने जो विड्थ उसके 300 है और मार्जिन उसका लेफ्ट 300 पिक्सल है, तो अपने बॉडी में नहीं दिखेगा। इस तरह से हमने उसको हाइड कर दिया। अब हम एक आइकन बनाते हैं या फिर मेनू की लिंक बनाते हैं। तो HREF देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मैं मेनू करके लिखता हूँ, यहाँ पे आइकन्स आएगा, लेकिन अभी के लिए मैं मेनू लिख रहा हूँ। तो अब याद पे देखो मेनू। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑन क्लिक इवेंट डालते हैं। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे एक फंक्शन कॉल करना है। मैं एक फंक्शन का नाम दे देता हूँ, ये फंक्शन हमने अभी बनाया नहीं, अभी हम बनाते हैं। तो ये वाला फंक्शन अभी हम जावास्क्रिप्ट में बनाने जा रहे हैं, टॉगल नाउ करके। तो एक स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो एक फंक्शन बनाते हैं टॉगल नाउ करके, और इसमें फिर हम अपना नेविगेशन के लिए कोड लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले डालते हैं हम जो साइड बार करके हैं इसको हम उठा लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर इसमें जो साइड बार है उसका स्टाइल एट्रीब्यूट, और उसमें भी जो मार्जिन लेफ्ट है
उसको उठाते हैं और इसको हम बेसिकली एक नया वेरिएबल रखेंगे, लेट मार्जिन इक्वल टू। सो मार्जिन में जो भी उसकी ऑलरेडी मार्जिन है वो आएगी। अगर मैं इसको अलर्ट करके दिखा दूँ तो आप देख सकते हो अलर्ट मार्जिन में मैं जो उसकी ऑलरेडी मार्जिन है वो दिखेगी। जैसे मैंने को क्लिक करता हूँ, टॉगल फंक्शन कॉल हुआ टॉगल नाउ, और उसने मार्जिन दिखा दी। फिर हम क्या करेंगे, अगर उसकी मार्जिन, इफ मार्जिन अगर इक्वल टू -300 px है तो हमें एक नई मार्जिन सेट करना है। तो हम इससे जो नई मार्जिन सेट करेंगे उसके लिए हम ये वाला जो कोड है वही रखते हैं और उसको इक्वल टू करते हैं, और नई मार्जिन इसको क्या हो जाएगी, 0 px करके, 0 px, ठीक है। तो इस तरह से वो वहाँ से अपने फ्रंट में आ जाएगा। ये देखो ये आ गया। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज भी करना है। तो जो हमने यहाँ पे DYD साइड बार लिखा है वहाँ पे हम एक छोटा सा ड्यू या स्पैन कुछ बनाते हैं जिससे उसको हम क्लोज करेंगे, या फिर तो यहाँ पे मैं ड्यू बनाता हूँ और इसको दे देता हूँ स्टाइल, और इसको करता हूँ फ्लोट राइट, और यहाँ पे लिखता हूँ क्लोज करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं बेसिकली ए, या फिर मैं इसको एक बटन दे सकता हूँ, ए ही दे देता हूँ अभी। फिर ऑन क्लिक पे मैं सेम टॉगल नाउ करके फंक्शन है उसको कॉल कर लूँगा, और इसको यहाँ पे हम क्लोज लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने एक क्लोज बटन बनाया। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे देखो जैसे मैं मेनू क्लिक करूँगा ये वाला यहाँ पे आएगा, ये क्लोज बटन, इसको हमें राइट में रखना है। तो फ्लोट राइट, ये बेसिकली ये मैंने क्लास का नाम डाल दिया। यहाँ पे मुझे डालना है मतलब ये ऐसे फ्लोट कोलन राइट करके लिखना है। तो मेनू या देखो यहाँ पे क्लोज बटन आ गया, तो इस पे भी सेम टॉगल नाउ क्लिक हो रहा है। फिर यहाँ पे इफ मार्जिन इक्वल टू -300, अगर वो छुपा हुआ है मतलब वो है तो हम उसको जीरो कर रहे हैं। तो सेम इसी तरह से अगर वो जीरो रहता है तो उसको हमें माइनस करना है -300 px करके। तो अभी क्या होगा, मेनू पे ये आ गया और क्लोज पे हो क्लोज हो रहा है। सो इस तरह से वो क्लोज हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये डायरेक्टली आ रहा है जा रहा है तो इसको हम थोड़ा एनिमेट कर सकते हैं, मतलब ट्रांजिशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइड बार है वहाँ पे हम ट्रांजिशन लिखते हैं 0.5 सेकेंड। सो उतने टाइम तक वो मतलब वो ट्रांजिशन होगा, वो एक एनिमेशन की तरह देखा। ये देखो ऐसे और ये ऐसे क्लोज हो रहा है। इस तरह से हमने अपना ये बना लिया। सो इसको थोड़ा स्टाइल अगर करना है तो आप बाकी स्टाइल वगैरह कर सकते हो। तो जो अपना साइड बार है, ठीक है, तो साइड बार में मैं साइड बार में ए को एक जो हैश साइड बार, क्योंकि अपना आईडी साइड बार है, इसको मैं अभी कुछ पैडिंग दे देता हूँ। इसको देते हैं टॉप से 6 px और लेफ्ट से 10 px, और इसका कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। और फिर हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर बॉटम दे देते हैं, बॉर्डर बॉटम 1 px सॉलिड सिल्वर करके। तो अब देखते हैं ये कैसे दिख रहा है, अपने मेनू पे क्लिक कर दो तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब आपको जैसे चाहिए वैसे आप उसको CSS स्टाइल वगैरह दे सकते हो। फिर ए से हम इसका टेक्स्ट डेकोरेशन हटा देते हैं, जो अंडरलाइन वगैरह आ रही है वो हमें नहीं चाहिए। तो टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर देते हैं नन। और भी हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फिर ये होवर होगा उस पर तो उसको भी हम कुछ स्टाइल कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हैश 3B 3B
थ्री बी और उसका कलर एश एफ 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 मतलब वाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ये कर सकते हैं, तो ऐसे लिंक होगी। ठीक है, अब इस पे ये गैप क्यों आ रहा है इसको एक बार देख लेते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट, सो ये जो बी आर करके हमने दिया था उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे जो डिस्प्ले ब्लॉक करके रखा है हमने, तो हम ये बी आर हटा देते हैं और जो ऊपर से 6px की जगह पे 10px करते हैं और लेफ्ट राइट से इसको 20px कर देते हैं। और अभी देखते हैं और मेनू पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आएगा, तो इस तरह से ये लिंक्स है, और क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ये कर सकते हैं। तो ऐसे हमने इसको बना लिया है, और जो क्लोज बटन है इसको हम बेसिकली स्टाइल, इसको भी एक बैकग्राउंड नॉर्मल बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, तो वो दिख नहीं रहा है इसलिए। तो यहाँ पे हैश थ्री बी थ्री बी थ्री बी इसका रहने देते हैं हमेशा के लिए, और इसका ऑन क्लिक इवेंट हटा दिया हमने, इसको भी डाल देते हैं। ठीक है, तो अब वो उसको वैसे ही कलर में रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, और उसका जो कलर है हैश एफ एफ उसको भी रहने देते हैं, तो क्लोज बटन हमेशा के लिए दिखता रहेगा इस तरह से। कलर नहीं दिख रहा है, हमने बराबर से सिंटैक्स नहीं दिया। ठीक है, अब हो गया इसका काम। अब देखो, अब ये ऐसे है। अब इसकी जगह पे आप थोड़ा आइकन्स वगैरह जो भी आपको चेंज करना है वैसे कर सकते हो, यहाँ पे भी मेनू की जगह पे आप अपना आइकन रख सकते हो, वैसी चीज़ें हैं। फिर मेनू का जो लिंक है यहाँ पे जो थ्री बार आप डाल सकते हो, या फिर इसको भी जो भी आपको स्टाइल करना है वो स्टाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे पैडिंग में दे देता हूँ 10px, बैकग्राउंड कलर 3B 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 नहीं रखते इसको, बैकग्राउंड कलर में देख देते हैं सिल्वर। तो इस तरह से आप जो भी करोगे वो आप कर लेना। सो बेसिकली अपना जो मकसद था, बेसिकली मेनू को क्लिक करने के बाद ये साइड बार ओपन हो और इसको क्लोज कर दिया जाए, तो इस तरह से हमने साइड बार वगैरह बना लिया। तो इसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट के और भी कोड लाएंगे, और भी कोड्स आपको बताएंगे कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। तो अगर आपको ऐसी कोड्स देखना है, प्रैक्टिकल में यूज़ करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को पसंद आया तो शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।